ऑन हो चुका है ऑलरेडी, वीडियो बन रहा देखिए शादी हो रही है हमारे घर के बगल में, तो हम लोग जूम करके दिखा रहे हैं। हम लोग के घर अपार्टमेंट के पास में बस्ती है, वहीं शादी हो रही है। देख सकते हो कितना मस्त डेकोरेशन किया गया है, और बहुत देर से लाइट का वेट किया जा रहा था और चुमाया जा रहा है। लड़की की शादी है, लड़के की पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हम लोग की रिकॉर्डिंग कहाँ से कर रहे थे, छत से कर रहे हैं, और रात के 10 बजे हम लोग छत पर आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए कितना मस्त डेकोरेशन है। मैं सोचिए आप लोग को भी दिखा देते हैं कैसे हो। नहीं हो रहा ना लाइट, ये है चंदा मामा और वहाँ हो रहा है बारात, बाराती डांस। चांद को झुक करके दिखा कैसा लगता है। चांद फट नहीं रहा है ऐसा ना। ये है हमारे चंदा मामा, रात में हम लोग जूम करें 11 बजे रात में। आज कुछ है क्या, फुल मून हुआ है? फुल मून का फुल है ना, देखिए इधर चांद है और इधर मेरा चांद है। मेरा चांद आप लोगों को दिख रहे हैं, ये है मेरा चांद, मेरा चांद का चांद है। देखिए हम लोग रात के 2:30 बजे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं शादी, और इधर देखिए आप शादी। Thank you.
चैनल मिस्टर मिसेस सिन्हा ऑफिशियल। तो आज हो रही है बहुत ही ज़्यादा गर्मी, तो मैंने सोचा कि मैं बनाती हूँ सवाई, जो बहुत देर से सोच रही थी बनाने के लिए। तो मैंने सवाई बनाना स्टार्ट किया है, तो मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ सवाई। तो आज मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि हम लोग के घर क्या क्या बन रहा है हमारे घर। तो सवाई बन रहा है, सवाई इसलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि सिन्हा जी को भी पसंद है। और देखो लाल हो गया, लाल थोड़ा सा होने से ही अच्छा दिखता है और मुझे भी पसंद है, हम दोनों को ही पसंद है सवाई, इसीलिए सवाई बना रहे हैं। देखिए दिख रहा होगा ना, अच्छे से दिख रहा होगा, ये अच्छे से ब्राउन हो जाएगा ना, देन मैं इसमें मिल्क ऐड करूंगी। देख सकते हो मिल्क भी रखा हुआ, तो ये मलाई वाला मिल्क है, इसको ऐड कर दूंगी। फिर इसमें डालूंगी शुगर, आप शुगर शुगर फ्री कुछ भी डाल सकते हो, जिसको जो जैसे लगे, मैं तो चीनी डालूंगी। मतलब शुगर डालूंगी। सवाई जब अच्छे से रेड होके भुन जाता है ना, तो बहुत टेस्ट आता है, और उसमें इलायची ऐड कर दो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये जो पतली वाली सवैयाँ होती है ना, बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो जिन किसी को मुंह में पानी आ रहा हो, वो भी अपने घर में बना सकते हैं, और किसको मुंह में पानी नहीं आता है पता नहीं। तो चलिए जैसे जैसे मैं किचन में बनाती जाऊंगी तो आप लोग को दिखाती जाऊंगी। हेलो गाइस, तो मैं अब बना रही हूँ फ्राइड राइस। तो प्याज मैंने फ्राई कर लिया है और इधर सवाई भी बन चुका है, देख सकते हो। मैं इसका चूल्हा ऑफ करूँगी थोड़ा, तो अगर अच्छे से आप इसमें वो डालते हो ना, तो बर्तन इसको जला देती हूँ। फ्राइड राइस बना रही हूँ सिन्हा जी के लिए, बना लिया एक्चुअली, उनका भूंजा हुआ चावल बच गया था चावल, तो उसको फ्राई कर देती हूँ। तो आज मैंने सोचा ही है कि आप लोग को सारा कुछ दिखाऊंगी। और बहुत लोग का कमेंट ये होता है ना कि मैं दिखाती हूँ कि मैं ना खाना में क्या बना रही हूँ, नहीं बना रही हूँ। तो गाइस मैं ये ब्लॉगिंग करती हूँ, ये नहीं कि मैं आपको दिखा रही हूँ या सिखा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपने पे मत लिया करो। देखो इधर राइस, तो मैं अपने लिए अपना ब्लॉगिंग बनाती हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ डेली ब्लॉगिंग में वो दिखाती हूँ, नहीं कि मैं आपको सिखा रही हूँ कि मैं ये बना रही हूँ। क्योंकि हर किसी को आता है सब कुछ अपने तरीके से, हर किसी को आता है बनाना। खैर, तो सिन्हा जी भी घर आ चुके हैं, रात के बज रहे हैं 9:21 एंड आई थिंक मेरा 10 से पहले खाना बन के रेडी हो जाएगा। और देखिए, और फ्राइड राइस में थोड़ा सा ऑयल अच्छे से पड़ता है, मैं जैसे बनाती हूँ। और प्लीज आप लोग कोई भी माइंड मत करना कि मैं आपको सिखा रही हूँ, ऐसा मत सोचना। और जब फ्राइड राइस आप बनाते हो तो इसमें धनिया पत्ता भी डालो तो बहुत टेस्ट आता है, और नमक तो पड़ता ही है। पहले इसको अच्छे से भून देंगे, उसके बाद नमक डालेंगे। और इधर मैंने सब कुछ कर लिया है, बस इलायची इसमें डालना है, वो भी डाल दूंगी। तो देखिए सवाई बहुत अच्छा बना, दिखने में भी अच्छा दिख रहा है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको डाल दूंगी। ओ माय गॉड, जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें वो डाल देंगे, फ्रिज में डाल देंगे, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ ये सवाई अच्छा लगता है। और इधर जो भी बर्तन गंदा होते जा रहा है वो भी रखती जा रही हूँ। अब इसमें नमक डालेंगे। रोटी वोटी बन के रेडी हो गया, तो मैं सोची कि अंडा हो गया है 10 से ऊपर लाया गया, तो इसको यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था ना कि अंडा क्या हुआ था ना, खराब हो गया था, 11 अंडा खराब हो गया था, क्योंकि बीच में नवरात्र पड़ गया था। तो खराब होने से अच्छा है कि आपके पेट में चला जाए ना। बिल्कुल,
पता नहीं मैं सालों साल बाद बना रही हूँ ऑमलेट कैसा बनेगा। लेट्स सी। ठीक ही बना। प्लेट लिया अच्छे से। ठीक ही बना। और शाली बताओ। और सिन्हा जी जाएंगे प्लेट लाने के लिए। चलिए फिर। और इसी तरह मैं दूसरा अंडा भी बनाऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और कुछ लोग का कमेंट आया तो ब्लॉग बहुत बकवास लगा, तो क्यों बकवास लगा वो भी कमेंट करके बताना। लास्ट वाला ब्लॉग आप लोगों को क्यों बकवास लगा। ठीक है, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।